और इस स्विच को ऑन करो। देखिए ग्लो हो चुकी है हमारी लाइट, देख सकते हैं। हेलो गाइज, मैं हूं लकी। तो गाइज आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज हम इस एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग करने वाले हैं और उसके लिए हम यहां पर कुछ स्विचेस और कुछ सॉकेट्स लेके आए हैं। ये दोनों ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ये देखिए 3 स्विच और 3 सॉकेट का बनाएंगे। ये एक पीस 25 रुपीज़ का मिला है मेरे को सॉकेट का, और स्विच का मुझे 15 रुपये का मिला है। हम इसे कुछ इस तरीके से फिट कर लेंगे। फिर इसके हम जो होल है उसे हम खोल लेंगे। फिर जो इसके साथ में आते हैं नट एंड बोल्ट, उसके साथ में इसे हम फिक्स कर लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ऐसे ही हमें इन दोनों में भी कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब हमें स्विचेस को भी इसी तरीके से फिक्स करना होगा यहाँ पर। देखिए जिस पे नाम लिखा हुआ वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ हमें आएगा। तीनों स्विचेस को हमें इसी तरीके से लगाना है। देखिए इन सब का नाम जो है वो नीचे की तरफ दिखेगा आपको, दिखाता हूँ मैं जूम करके आपको। इसी तरीके से हमें तीनों स्विचेस को भी लगा लेना होगा यहाँ पर। ये देखिए सब कुछ हमने फिक्स कर लिया है बिल्कुल। अब हम आते हैं वायरिंग के ऊपर। तो पहले बता दूं मैं आपको, आपको सॉकेट के एक तरफ एन दिखेगा यानी कि न्यूट्रल। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स को कॉमन कर देना है, ठीक है। और फिर आपको स्विच का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वैसे ही इन तीनों स्विचेस के नीचे वाले हिस्से को हम कॉमन कर देंगे। और यहाँ पे आपको दिखेगा एल, एल का मतलब होता है फेस। तो हमें सॉकेट के एल को स्विच का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे जोड़ देना होगा, वैसे ही यहाँ पे भी करना होगा और यहाँ पे भी करना होगा। तो यही इसकी वायरिंग होगी। और ये होते हैं हमारे अर्थ। अगर आप घर में अर्थ है तो आप इसकी वायरिंग कीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इनको आपस में कनेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम ये हैवी वाला कॉपर वायर यूज़ करेंगे। देखिए इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। तो पहले हम स्विच के जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं उनको आपस में जोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर एक ही कलर का वायर यूज़ करा है, आप चाहे तो ब्लैक और रेड कलर का वायर यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या समझने में आसानी होगी। जो रेड वाला वायर होगा वो हमारा इंडिकेट करेगा फेस को, और जो ब्लैक वाला वायर होगा वो हमारा करेगा इंडिकेट एन को यानी न्यूट्रल को। अब ऐसे ही हमें इसमें भी इसे जोड़ लेना है। देखिए स्विच के नीचे वाले तीनों पॉइंट्स पे हमने कॉमन कर दिया है। अब हमें हर सॉकेट का जो न्यूट्रल वाला है उसे कॉमन करना होगा। तो एक बार इसमें लगा दिया है मैंने। दूसरा वायर इसमें लगा देंगे। ये देखिए, और ये वाला वायर इससे तीसरे वाले सॉकेट में लगा देंगे। तो देखिए जो न्यूट्रल है उसे भी हमने कॉमन कर दिया है। ये न्यूट्रल वाले को हमने कॉमन कर दिया है। अब बात आती है इसकी वायरिंग करने की। तो देखिए इसके लिए मैंने छोटे छोटे वायर कट कर लिए हैं। तो एक वायर हमारा स्विच का जो ऊपर वाला हिस्सा खाली था उसमें जाएगा, और एक वायर जो हमारा सॉकेट का एल वाला जो था यानी कि फेस वाला वो खाली था उसमें जाएगा।
देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा, ये लीजिए। तो देखिए इसकी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ दोबारा बताता हूँ मैं आपको, न्यूट्रल को कॉमन करा हमने, ठीक है। फिर जो स्विच का नीचे वाला पॉइंट है उसको हमने कॉमन करा, एक बार गया यहाँ पर दूसरे स्विच में और एक बार गया तीसरे स्विच में हमारे, ठीक है। फिर जो स्विच का ऊपर वाला हिस्सा था वो गया हमारे सॉकेट का जो एल वाला पॉइंट था उसके अंदर, ऐसे ही दूसरे स्विच का ऊपर वाला हिस्सा गया हमारे तीसरे में, और वैसे ही हमने तीनों की वायरिंग कर दी है, ठीक है। अब मेन वायर के लिए हम इस टाइप के वायर का यूज़ करेंगे। ये वायर काफ़ी हैवी है, इससे आप वॉशिंग मशीन फ्रिज वगैरह रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ब्लैक वायर जो न्यूट्रल होता है तो हम उसे हमारे सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कनेक्ट हो चुका है ये। और ये जो रेड वाला होता है जिसे हम फेस बोलते हैं, उसे हम जो हमने फेस वाले वायर लगाए थे स्विच के नीचे वाले हिस्से की तरह, जिसको हमने कॉमन किया था, वैसे ही इस वायर को आप कोई से भी स्विच के नीचे वाले कॉमन में लगा सकते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल को भी वैसे ही कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये देखिए हमारी वायरिंग एकदम कंप्लीट हो चुकी है, आप सही से देख लीजिएगा। अब बस हमें इस बोर्ड के अंदर इसे फिक्स करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे फिक्स कर देंगे स्क्रूज की सहायता से। अब हमारा बोर्ड एकदम रेडी हो चुका है, तो आइए इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए तो इसकी चेकिंग के लिए मैं जो दिवाली वाली लाइट होती है ये लेके आया हूँ। देखिए हमने इसमें लगाया और स्विच को ऑन कर, देखिए ग्लो हो चुकी है हमारी लाइट। ये तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और नीचे जो बेल बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेके आऊँ नई नई तो वो आपको जल्दी से मिल जाए। और गाइस इसमें ऐसा नहीं कि आप खाली इसमें लाइट ही जला सकते हैं, आप इसमें फ्रिज, टीवी और जो वॉशिंग मशीन, जो हैवी अप्लाइंसेज होते हैं ये भी आप रख सकते हैं बिना कोई टेंशन के और कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे